Today we'll start with the new chapter that is human health and disease. आज जो है हम लोग नया chapter मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी important chapter है। इस chapter में हम लोग सबसे पहले स्वास्थ्य पे focus करेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। बहुत से लोग स्वास्थ्य को स्वास्थ्य वर्ड का यूज कर देते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि ऑप्शन सब डिजीज। अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, जबकि स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आप पूर्ण रूप से फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। और इसके बाद से हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सी बीमारी होते हैं, और बीमारी होते हैं तो वो हमारे किस ऑर्गेन को इन्फेक्टेड करते हैं, किस ऑर्गेन पे प्रभाव डालते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, उसका सिम्टम्स क्या है, ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग को सबसे पहले कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस यानी कि मानव में सामान्य रोग के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग में कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है कितने होते हैं, उसका क्या काम है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से एड्स इज ए फाटल डिज, ये काफ़ी घातक बीमारी है और यह किस तरह से होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और किस ऑर्गेन को प्रोवाइड करता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कब आया, ठीक है, तो कब आया, 1981 में आया और भारत में ये 1986 में आया। उसके बाद से कैंसर जो है भी काफ़ी खतरनाक घातक रोग है जिससे मिलियनों लोग जो है हर एक साल मरते हैं। उसके बाद से लास्ट टॉपिक है हम लोग का ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज यानी कि ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग। अब्यूज का मतलब होता है कुप्रयोग, यूज का मतलब होता है प्रयोग और अब्यूज का मतलब होता है कुप्रयोग, या इसको आप मिसयूज भी बोल सकते हैं। ऐसे में अब्यूज मतलब होता है गाली देना, लेकिन यहाँ पे अब्यूज का मतलब गाली देना नहीं है, कुप्रयोग है, दुरुपयोग है, मिसयूज है, जो भी हो ड्रग और अल्कोहल का मिसयूज। आगे कह रहा है कि हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सॉर्ट एंड ह्यूमर्स। कह रहा है कि एक बहुत ही लंबे समय तक स्वास्थ्य को लेकर यह विचार था कि यानी कि एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें शरीर की कुछ तरल पदार्थों का संतुलन बना रहता था। आगे कह रहा है कि डेट इज व्हाट ईयरली ग्रीक लाइक हिपोक्रेटस एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड यानी कि प्राचीन यूनानी जैसे कि हिपोक्रेटस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दवा करते थे। क्या दवा करते थे कि स्वास्थ्य जो है शरीर और मन की स्थिति के शरीर और मन की ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ तरल पदार्थ का संतुलन बना रहता है। आगे कह रहा है कि इट वाज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त वाले व्यक्ति जो हॉट पर्सनैलिटी रखते हैं उन्हें बुखार रहता है। ये पहले माना जाता था कि जितने भी काले पित्त वाले व्यक्ति हैं, हॉट पर्सनैलिटी यानी कि गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं व्यक्ति, उन्हें बुखार रहता है, लेकिन अब नहीं माना जाता है।
दिस आइडिया वॉज अराइव एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिंग थाट. यह विचार जो है प्योर रिफ्लेक्टिंग थाट से ही होती है. द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड. यानी कि विलियम हार्वे ने प्रयोगात्मक प्रयोग करते हुए रक्त संचार की खोज की और यानी कि एंड डिमोंस्ट्रेटेड ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ. और थर्मोमीटर का प्रयोग करते हुए, थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है, और कह रहा है कि थर्मोमीटर का प्रयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्ति के शरीर के तापमान नॉर्मल प्रदर्शित हुआ, जिससे शरीर की परिकल्पना का अच्छे तरल पदार्थ का कोष गलत साबित कर दिया गया. यानी फिर से आपको बता दूं कि थर्मोमीटर का प्रयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्ति का शरीर की तापमान नॉर्मल प्रदर्शित हुआ. यानी कि जब थर्मोमीटर का प्रयोग किया गया और चेक किया गया तो जितने भी काले पित्त वाले व्यक्ति थे उनका बॉडी का तापमान नॉर्मल प्रदर्शित हुआ, जिससे स्वास्थ्य के हाइपोथेसिस का गुड ह्यूमर गलत साबित हुआ. इन रिसेंट ईयर्स बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम. यानी कि बाद के वर्षों में बायोलॉजी के वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है इंडोक्राइन सिस्टम न्यूरल सिस्टम के द्वारा प्रभावित होते हैं. एंड डैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ. और हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे स्वास्थ्य को संतुलन बनाए रखता है. हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. इस प्रकार से मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. यानी कि हमारे मन और हमारी मानसिक अवस्था जो है हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है. ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, निसंदेह स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है. किसके द्वारा? तो जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा और लाइफस्टाइल के द्वारा. जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब हुआ है कि आनुवांशिक विकार, यानी कि